हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास थर्ड का ईवीएस का फिफ्थ चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े। ठीक है कि नहीं? तो लेट अस रीड द चैप्टर। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। जो कपड़े हैं वो हमारी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से एक है। ओके, वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। वी ऑल वियर क्लोथ्स, हम सभी लोग कपड़े पहनते। क्यों पहनते हैं? हम लोग सभी सर्दी से, गर्मी से, धूल, बारिश और कीटों के काटने से बचने के लिए हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं। दे मेक अस लुक गुड टू, ये हमें अच्छा भी बनाते हैं, हम देखने में अच्छे भी लगते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो हम देखने में अच्छे भी लगते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम अलग अलग प्रकार के सीजन में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ओके, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, सीजन्स के आधार, सीजन्स के अनुसार कपड़े। ओके, वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन टू द सीजन्स आवर नीड्स एंड ओकेशंस। जो हम कपड़े कि जो हमें आवश्यकता होती है सीजन्स के आधार पर, या किसी ओकेशंस, किसी अवसर, जो हमारे किसी त्यौहार या किसी शादी वगैरह, उसके आधार पर, उसके अनुसार हम कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी, ये हमारी शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इन समर वी प्रेफर टू बियर कॉटन क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स कीप अस कूल, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। इन समर वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ, गर्मियों के दिनों में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल, ये कपड़े हमें कैसा रखते हैं, हमें ठंडा रखते हैं, मतलब हमें इनमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, हमें जो कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है, कॉटन प्लांट से, हमें कपास के पेड़ से हमें कॉटन प्राप्त होता है, सूत प्राप्त होता है। वी यूज रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हम बरसात के दिनों में, हम बरसात की ऋतु में हम क्या करते हैं, हम रेन कोट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? वी ऑल्सो वियर गमबूट्स, हम गमबूट्स भी पहनते हैं। गमबूट्स कहाँ तक होते हैं, जो हमारे घुटनों से थोड़े नीचे तक शूज होते हैं, उनको हम गमबूट्स बोलते हैं। ओके, दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, ये हमारी बारिश से रक्षा करते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, और सर्दियों में हम वूलन क्लोथ पहनते हैं, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म, ये हमारी सर्दी से रक्षा करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम सीप, हम जो हमें ऊन जो प्राप्त होती है, हम सीप से ऊन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, हम सीप से हम वूल प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम रैबिट एंड अदर एनिमल्स टू, हम रैबिट से और अन्य जीवों से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, विभिन्न प्रकार के कपड़े, सिंथेटिक क्लोथ्स, क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर लाइक नायलॉन, रायन एंड पॉलिस्टर आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। जो कपड़े आर्टिफिशियल फाइबर से, आर्टिफिशियल रेशे से बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रेशों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन है, रायन है एंड पॉलिस्टर है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये सिंथेटिक क्लोथ्स कहलाते हैं, मतलब कि सिंथेटिक क्लोथ कहलाते हैं। दीज आर शाइनी एंड मोस्ट ड्यूरेबल, ये कैसे होते हैं, ये बहुत अधिक चमकीले होते हैं और ये लंबे समय तक भी चलते हैं, जल्दी नहीं फटते ये कपड़े। यूनिफॉर्म, अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आर वॉर्न बाई स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर, नर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन। यूनिफॉर्म को बच्चे, डॉक्टर, नर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन, ये लोग पहना करते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म, हम इन्हें इनकी यूनिफॉर्म से आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, जिस पुलिसमैन है तो कैसी यूनिफॉर्म पहनता है, खाकी यूनिफॉर्म पहनता है, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म तो आप तुरंत पता कर लेते हैं किस स्कूल की यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है तो आप तुरंत जान लेते हैं ये डॉक्टर है।
लॉयर है तो वो कैसा ब्लैक कोट पहनता है, तो आप तुरंत जान लेते हैं ये लॉयर है, ठीक है नहीं? तो हम उसकी यूनिफॉर्म से उसे पहचान लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। अगला टॉपिक है अपना हाउ क्लोथ्स आर मेड, कि कपड़े कैसे बनते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स, डू यू नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, क्या आप जानते हो कि कॉटन कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कॉटन प्लांट से लेते हैं। एट फर्स्ट कॉटन इज स्पन इनटू यार्न, सबसे पहले कॉटन को स्पन किया जाता है और उससे धागे बनाए जाते हैं। द यार्न इज देन यूज टू मेक क्लॉथ ऑन अ लूम, उसके बाद में क्या करते हैं, उस यार्न से उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, ऑन अ लूम, लूम में। दिस इज कॉल्ड वीविंग, इसको हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं, बुनना, कपड़े का बुनना। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन से, कॉटन प्लांट से हम कॉटन प्राप्त करते हैं, फिर कॉटन प्लांट से क्या करते हैं, कॉटन प्राप्त करने के बाद में हम उसको स्पन करते हैं, स्पन करके उसमें से यार्न बनाते हैं, यार्न बनाने के बाद में फिर उस यार्न को वीविंग करके हम क्लोथ बनाते हैं। वूलन क्लोथ, वूल इज द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ सीप, जो वूल है वो भेड़ के जो बाल होते हैं, मोटे और मुलायम जो बाल होते हैं उसके, वो वूल होती है। एट फर्स्ट सीप हेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, सबसे पहले सीप के शरीर से उन बालों को अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड शियरिंग, इसको हम शियरिंग कहते हैं। देन इट इज क्लीनड एंड स्पन इनटू वूल, उसके बाद में इन बालों को उसके साफ किया जाता है, उसके बालों को, उसके बाद इनको स्पन करके वूल बनाई जाती है। दिस वूल इज यूज टू निट स्वेटर एंड अदर वूलन क्लोथ, फिर उसके बाद उस वूल से स्वेटरों को बुना जाता है और अन्य कपड़ों को बुना जाता है। ओके, सीप, सीप हेयर, वूल और वूलन क्लोथ, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, सिस्टम रहता है। सीप से हमने क्या प्राप्त किया, उसके हेयर को प्राप्त किया, उसके बाद में इसको क्लीन करने के बाद में इससे वूल बनाई और वूल से ये वूल बन गई हमारी, वूल से फिर वूलन क्लोथ रेडी हुए। सिल्क क्लोथ, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क बॉर्म, हम सिल्क को किससे प्राप्त करते हैं, सिल्क बॉर्म से प्राप्त करते हैं, रेशम के कीट से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। सिल्क मीन्स क्या होता है, रेशम। सिल्क बॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स, जो सिल्क बॉर्म होता है वो सहतूत की पत्तियों को खाता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क बॉर्म्स कोकून, हम सिल्क को, जो सिल्क बॉर्म का जो कोकून होता है उससे हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम कोकून, जो सिल्क का जो धागा बनाया जाता है वो कोकून से बनाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको आपको 2 या 3 times इसको आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसकी एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।